डिलिमिटेशन जो कि रिपोर्ट का ड्राफ्ट सबमिश होना, और वही दूसरी तरफ भाजपा की बात करें तो खुशियां मना रहे हैं और प्रेस वार्ता पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ बात करें विपक्षी दलों ने कि तो उन्होंने नकारा इस ड्राफ्ट की जो रिपोर्ट बनकर सामने आई है। इसी विषय में बात करने हमारे साथ समय जुड़ चुके हैं एडवोकेट साहब और साथ साथ वरिंदर सिंह सोनी। चलिए जानते सर का क्या कहना है जो रिपोर्ट सबमिशन हुई है उसको लेकर। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अनवर चौधरी एडवोकेट, जम्मू कश्मीर गुर्जर यूनाइटेड फ्रंट का अध्यक्ष हूँ। और आपने जैसे कि बात की ओपनिंग रिमार्क्स में कि बीजेपी में बड़ी एक अपबीट है, बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं। अंदर अंदर से लोग जो हैं सख्त परेशान हैं, बीजेपी वाले भी, कुछ लोग होगा हो सकता है कि ऐसा कर रहे हो, जिन लोगों की कंस्टिट्यूएंसी ख़त्म कर दी है या जो रिज़र्व कर दी हैं, जो डिज़र्व नहीं करती थी रिजर्वेशन वो रिज़र्व कर दी है, तो उससे लोग बहुत परेशान हैं। जैसे सुचेतगढ़ की कंस्टिट्यूएंसी, सुचेतगढ़ के लोग बड़े परेशान हैं और उन्होंने काफ़ी एहतजाज भी किया है। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी से अपना रिजिग्नेशन भी दे रहे हैं। जहां तक ताल्लुक है दूसरी और डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट की, अभी पूरी तौर पर रिपोर्ट लोगों के सामने तो नहीं आई, लेकिन एसोसिएट मेंबर्स को जो जारी हुई है वहां से लीक हो गई और सोशल मीडिया पे लोगों ने पढ़ लिया, देख लिया कि क्या कुछ हुआ है, तो उसका पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ज़बरदस्त तरीके से एहतजाज जारी है और प्रोटेस्ट किया जा रहा है इस रिपोर्ट के खिलाफ। इसको नकार दिया है, पूरी आवाम ने नकार दिया है, कोई इसके बारे में खुश नहीं है। जहाँ तक बीजेपी के बहुत से लीडर जो हैं वो रिजिग्नेशन दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं पार्टी को, तो ये आप ये नहीं कह सकते कोई अच्छी रिपोर्ट है। देखने को अरसपुरा में रोष काफी देखने को मिला है। जी जी, जाट सभा की बात करें उसको खत्म कर दिया गया। हर जाट ना निचली सतह पे, पहले सिर्फ एक मजहबी डिवाइड थी, अब तो निचली सतह पे आप आके डिवाइड हो रही है। अब तो आपको कम्युनिटी बेस पे डिवाइड किया जा रहा है। आप यहाँ देख लिए जाट को, सिख को, ब्राह्मण को और हरिजन को इस तरह से डिवाइड किया। पुंछ रजौरी के अंदर गुज्जर और सो कॉल्ड पहाड़ीज को डिवाइड किया। पहले जब यहाँ होम मिनिस्टर साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम रिजर्वेशन देंगे, इनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देंगे सो कॉल्ड पहाड़ीज को, तो वो भी खुश हो गए हमें शेड्यूल ट्राइब, वो साथ में एक बयान दे दिया कि अगला चीफ मिनिस्टर हो सकता है पहाड़ी हो, तो लोगों को खुश। रैना साहब ने वहाँ कितनी वो की रैलीज की के, और फिर गुजर और पहाड़ी को बांट दिया। अब ये कह के 5 सीटें वहाँ पुंछ रजौरी में इसलिए रिजर्व की है, कहा गया है कि हम पहाड़ी को भी शेड्यूल ट्राइब दे देंगे, और बहुत सी गहराइनी बातें तो की हैं बीजेपी की सरकार और कर भी सकते हैं, जबकि आइनी तौर पे पहाड़ी सो कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, उनको शेड्यूल ट्राइब नहीं दिया जा सकता है, लेकिन उनको ये कह दिया, लालच दिया है कि आपको भी शेड्यूल ट्राइब देंगे। अगर शेड्यूल ट्राइब दे भी दें, आप मिसाल के तौर पे देख लीजिए, पहले भी पुंछ रजौरी से या पहाड़ी जीत के आता है या गुजर जीत के आता है, तो फिर उन्हीं के दरमियान में ही एक जो मुकाबला है उन्हीं के दरमियान में है, तो पहाड़ी ने उसमें से क्या लिया और गुजर ने उसमें से क्या लिया। आप यूं ही किसी को ऐसे डिवाइड करके खुश करने के लिए थोड़ा सा ये कर देते हैं लोगों को, यानी गुमराह करने के लिए, तो ये कोई विपक्षी दल तो लगातार नकार चुके हैं। बिल्कुल, सारे हर कोई नकार रहा है, इवन बीजेपी वाले लोग भी नकार, खुद के नेता जो आरएसएस की बात है काफी सारे बिल्कुल नकार दिया, रिजाइन भी कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि इस रिपोर्ट को वापस ले लेना चाहिए, जैसा कि अभी 15 तारीख तक ऑब्जेक्शन सीख किए हुए हैं कि आप उजरात दायर करें। हाँ, ऑब्जेक्शन करें, वो जो एसोसिएट मेंबर्स हैं उनको अपनी पार्टीज के साथ भी कंसल्ट करना चाहिए। बड़े बड़े अच्छे लीडर हैं, अच्छे अच्छे अजहान हैं यहाँ जम्मू के अंदर, और तरीगामी साहब, दूसरे तीसरे सभी लोगों से ये सलाह मशवरा करके ये अपने ऑब्जेक्शन दायर करना चाहिए। ऑब्जेक्शन के साथ साथ मैं ये समझता हूँ, क्योंकि बड़ी जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो तो आप कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, कुछ भी फैसले ले सकते हैं, चाहे अवाम उसमें कुचली जाए, दब जाए, कुछ भी हो जाए, फैसले लिए जा सकते हैं। तो वैसे फैसले बीजेपी ने लिए हैं और ले भी रही है, तो वो अपने ऑब्जेक्शंस और इस रिपोर्ट को लेके सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं कि साहब हमने ये ऑब्जेक्शंस दिए हैं, अब अपने हमारे ऑब्जेक्शन को देख लीजिए और इस रिपोर्ट को देख लीजिए कि किस कदर ये बायस है, तो कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट से करवा लें। अभी तक मेरा ख्याल है कि ऐसा करना चाहिए। अब आगे क्या ये एसोसिएट में
मेंबर्स उसमें अपनी क्या रणनीति बनाते हैं ये देखना। धन्यवाद एडवोकेट साहब हमारे से जुड़ने के लिए। चलिए हमारे साथ इसमें वरिंदर सिंह सोनू जो कि एडिशनल स्पोक्स पर्सन है पीडीपी के और साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट है यूथ के। वरिंदर जी आप किस तरह से लेते हैं क्योंकि विपक्षी दल तो लगातार अब आवाज़ उठा रहा है, जहाँ एक तरफ भाजपा खुशियाँ मना रही है इस फेरबदल को लेकर, वहीं दूसरी तरफ आम लोगों में भी रोष देख रहे हैं, इवन कि भाजपा के खुद के जो नेता है वर्कर है वो भी इसके खिलाफ है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए हमने तो पहले दिन से ही जब जो डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर में आया था, जब बनाया था, तो हमारी पार्टी ने तभी कहा था कि ये एक पार्टी के इशारे पे काम करना चाहता है, तो हम डिलिमिटेशन कमीशन से नहीं मिले थे जी। तो आज वो जो बात थी वो जग जाहिर होगी, लोगों ने देख लिया कि आज डिलिमिटेशन कमीशन कर क्या रहा है, जो उनकी तरफ से जो एक ड्राफ्ट जो आया जो हमने देखा है जी, जी। अभी तो पब्लिक डोमेन में नहीं है, सोशल मीडिया पे ही है जो उनके जो हमने देखा है। तो आज देखिए जम्मू के सारे लोग सड़कों पर हैं, आज जम्मू में एक किस्म की हड़बड़ाहट हो गई है, जम्मू में आज देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंसों का दौर है, प्रोटेस्टों का दौर है, रिजाइनों का दौर है। हम पहले भी कहते थे, हमारी पार्टी का स्टैंड था कि डिलिमिटेशन कमीशन जो कि बनाया गया है वो हमें खदशा था वो कहीं ना कहीं किसी एक पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। तो आज वो बात बिल्कुल प्रूव होगी, आज भारतीय जनता पार्टी की जब सियतगढ़ सीट खत्म की गई तो बीजेपी के लीडर जो थे उन्होंने बीजेपी के ऑफिस में जाके प्रोटेस्ट किया और रिजाइन किया, वो वहाँ ही क्यों गए? उनको पता था क्योंकि उनके वर्करों को कहा गया था कि हम डिलिमिटेशन कमीशन जो है हमारा हमने बनाया, तो उन्होंने बीजेपी के दफ्तर में जाके रिजाइन किया और किसी के पार्टी के पास क्यों नहीं गए, एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं गए, वो वहाँ ही गए। तो ये बात आज जग जाहिर हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने 2-4 MLA बनाने के लिए तो उन्होंने उस तरीके से इस डिलिमिटेशन जो प्रोसेस को अडॉप्ट किया है जिस तरह से हुआ है, तो आम जनता की अपेक्षाओं पर वो खरा नहीं उतरा है। हम इस डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो है उसको नहीं, मतलब हम नहीं कहते हैं कि ये आम लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार है, इसके ऊपर रीथिंक करने की जरूरत है, पुनर्विचार करने की जरूरत है। और मैं डिलिमिटेशन कमीशन से भी अपील करूंगा कि जो आपने ये ड्राफ्ट बनाया है भैया, बंद कमरे में तो किसी का फैसला नहीं कर सकते ना, आप लोगों से मिले हैं तो ये लोगों की अपेक्षा के अनुसार नहीं है। क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं डर है भाजपा का, जिसका सुचेतगढ़ सीट को खत्म किया गया और मर्ज कर दिया, यानी एक ही आरएसपुरा की तरफ से, तो लोगों ने काफ़ी रोष प्रदर्शन, क्या कहें भाजपा को डर है कि इस समय जो आरएसपुरा या सुचेतगढ़ की बात करें वहाँ से भाजपा का कोई भी जो कैंडिडेट नहीं जीतने वाला आने वाले समय में, ये डर की वजह से इस तरह से डिवाइड किया गया है? डर भी हो, जैसे जो DDC का इलेक्शन था तो उनके फॉरेन मिनिस्टर चुनाव हार गए थे, हो सकता है एक भी वो पहलू हो, वहाँ इंडिपेंडेंट वो जीते थे TS टोनी जी, हो सकता है। अब तो ये भारतीय जनता पार्टी की जमीन तो खिसक चुकी है कि इन्होंने कुछ नहीं है, अब ये 2-4 MLA और सोचते हैं कि इस तरीके से हम बढ़ा लें तो वो बात नहीं बनने वाली है। आप मुझे बताइए कि जैसे एडवोकेट साहब अभी कह रहे थे कि आपने पहले धर्म के नाम पर राजनीति की, अब आप उसके बाद आपने मतलब सब रीजन के नाम पर राजनीति की, आज तो ये हाल तो हो गई है कि वाकई वो तो बरादरियों के नाम पर सियासत करने के लिए आ गए हैं, उसको उसके साथ लड़ा रहे हैं, उसको उसके साथ लड़ा रहे हैं। अब देखिए इन्होंने डिलिमिटेशन की भी, इनकी डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी को जब खत्म किया गया, वो लोग प्रोटेस्ट पे आए, जब वो लोग प्रोटेस्ट पे आए उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो उनकी वाकई उनका हक जो डिमांड उनकी जायज है। अब मैं गांधीनगर की आपको बात करूँ, गांधीनगर सीट थी, गांधीनगर बड़ी सीट थी जिसको जम्मू कैंट भी कहते थे, उसको बांटा गया, एक जम्मू सोध बना दी गई, एक बहू बना दी गई। मैं आपको बताता हूँ ना, तो इन्होंने इलाके के हिसाब से उसको बांटा, इन्होंने किन के जहन में ये थी कि यहाँ जो मनाटी वोट है उसको आगे पीछे करना है, यहाँ से इलाका उठाते हैं, एक मान लीजिए ये गेट जय द्वार के पास एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई, ये दूसरी बनाई और आगे वाला इलाका इसके साथ फिर दोबारा जोड़ दिया गया। आप देखिए कि जो बठिंडी सुजमा की म्यूनसिपलिटी की जो वार्ड थी उसको जम्मू बहू के साथ छोड़ा गया और उसके साथ लगती जो दो पंचायतें थी उसको जम्मू साउथ के साथ जोड़ दिया गया। आप मुझे बताइए आपने इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया? आप पहले तो कहते थे जी हम बिल्कुल सीधी करेंगे और कोई भी जो इलाका इन्होंने डाला है उसमें जो इलाका उसमें आया है कोई भी इनका ना इलाका के हिसाब से है ना कोई स्ट्रेट लाइन उन्होंने खींची है, तो ये पता नहीं मुझे कौन इनका सलाहकार है, कौन आदमी इनको सलाह देता था, जनता तो ये नहीं चाहती थी। तो लेकिन इन्होंने ये जो किया है मैं समझता हूँ कि ये डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर आज जो बवाल जम्मू में है, मैं कश्मीर की मैं जम्मू की बात करता हूँ, वो गलत है। जैसे उन्होंने रजौरी पुंछ को अनंतनाग के साथ जोड़ दिया, वो कुछ समझ नहीं, वो तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहे हैं। रजौरी पुंछ को जोड़ती है मुगल रोड कश्मीर के साथ जी। वो मेरा ख्याल है साल में 7-8 महीने बंद रहती है, 5-4 महीने ही वो चलती है। अच्छा एक बड़ी बात है कि रोड जोड़ेगी जाके शुपियां के साथ, तो शुपियां को अनंतनाग को छोड़ा उसको श्रीनगर के साथ लगा दिया। अब जिस रजौरी पुंछ वाले बंदे को अपने MP से मिलना है, जहाँ अनंतनाग वाले को अपने MP से मिलना है, वो पहले छुपियां आएगा फिर पुंछ आएगा। जहाँ मान लीजिए अगर वहां से कुछ जीता है या जहाँ से कुछ जीता है, तो ये कौन सी राजनीति है भारतीय जनता पार्टी कर रही है? हाँ
मैं समझता हूँ कि खितों को लड़ाने की राजनीति वो कर रही है, क्योंकि काम तो उनके पास था कोई नहीं, एजेंडा उनके पास है कोई नहीं, अब ये लड़ाई झगड़े से छोड़ते हैं उनको। रिपोर्ट सबमिट होते ही तो यहाँ पर हर जगह सुर्खियों का बाजार गर्म है। वही तो है ना, इनकी जो नाकामियाँ आपने देखी है, आप ये नौजवान सड़कों पर हैं, वो जो डेली वेजर सड़कों पर हैं, BSF PCSF वाले एस्पिरेंट सड़कों पर, बॉर्डर बटालियन वाले सड़कों पर है, उनका ध्यान आगे पीछे करना था। हाँ यार, जब हम आ रहे थे तो उन्होंने रोड बंद, नौजवान जाए कहाँ? उनके साथ आपने जो झूठा वादा किया है, वाकई वो ठीक का बात कह रहे हैं, 3700 अगर वो थी पोस्टों के लिए, 15000 बंदा एलिजिबल हुआ रिटर्न, उसमें फिजिकल में उनका रिटर्न कराइए, अब ये उसको भी कैंसिल करके सबको दोबारा ला रहे हैं, वो 3 साल जो उनके चले गए हैं वो ओवरेज हो जाएंगे, वो जाएंगे कहाँ? तो यही भारतीय जनता पार्टी को जब लोगों का सामना करना पड़ रहा है तो उसके ऊपर जो खोखले हो चुके हैं, सामना जो कर नहीं पा रहे हैं, तो ये ऐसे षड्यंत्रों से सोचते हैं कि हमारी जम्मू दोबारा जमीन बच जाए, वो बचने वाली है नहीं। धन्यवाद। साफ तौर पर यहाँ पर जो आल पार्टी जो कि यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उनके द्वारा ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था, क्योंकि उनके पैरों के तले अब जमीन खिस चुकी है, अब इस तरह के हथकंडे अपना पर कहीं ना कहीं जनता की जो टेंशन है उसको डाइवर्ट, उनकी सोच को डाइवर्ट किया जा रहा है, जिस तरह से बांटने का की राजनीति भाजपा कर रही है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस पर गौर कर, साथ ही साथ चेतावनी दी कि जो ऑब्जेक्शन फाइल किए जाएंगे डिलिमिटेशन रिपोर्ट को लेकर, उसका एक टाइम दिया गया, वहाँ पर उसके अंदर अंदर ऑब्जेक्शन फाइल किए जाए और दोबारा से इस रिपोर्ट पर सोचने की बहुत ही ज़रूरी है। और कई जो कि सियासी पार्टियों की बात करें, विपक्षी दलों की बात करें, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो भी इसकी खिलाफत करें, आरसपुरा की बात करें, यानी कि सुचेतगढ़ की सीट को जिस तरह से उनको खत्म कर दिया, उसी के चलते TS टोनी, जो तनजीसी टोनी, उन्होंने भी काफ़ी आपत्ति जताई, और साथ ही साथ भाजपा के खुद के कार्यकर्ताओं ने भाजपा में जाकर रिज़ाइन दिया कि क्यों आखिर सुचेतगढ़ की सीट को ख़त्म किया गया। उसी के चलते लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं विपक्षी दल इस समय घेरे हुए हैं सत्ता पक्ष को, आप देखते हैं आने वाले समय में क्या इस पर दोबारा से विचार विमर्श होगा, इस रिपोर्ट जो सबमिट की गई है, या इसमें फिर से कोई फेर बदल होगा, ये तो समय बताएगा। फिलहाल आपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।